आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावाद के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध काशी के एक संपन्न वैश्य घराने में सन 1889 में हुआ था। काशी मतलब बनारस या वाराणसी। इनके पितामह मतलब दादाजी श्री शिवरत्न साहू सुरती के प्रसिद्ध व्यवसायी, बड़े दयालु दानी स्वभाव के व्यक्ति थे। सुरती मतलब होता है तंबाकू या खैनी जिसे पान में डाला जाता है। इनके दादाजी इसके बहुत बड़े व्यापारी थे। पान के मसाले में प्रयुक्त तो होने वाली सुगंधि युक्त सुरती मतलब तंबाकू या खैनी के निर्माण के कारण इन्हें सुंगनी साहू के नाम से जाना जाने लगा। इनके दादाजी को बोलते थे सुंगनी साहू क्योंकि यह सुगंधि युक्त सुरती बेचा करते थे, उनके व्यापारी थे। आगे चलकर इनका परिवार भी सुंगनी परिवार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सुंगनी मतलब सुगंधित। स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद के पिता श्री देवी प्रसाद में भी पैतृक गुण मौजूद थे। पिता से उन्हें विरासत में मिले हुए थे कुछ गुण। साहित्य जगत में यह बात बहुत प्रसिद्ध थी कि काशी में गुड़ीजनों का आदर केवल दो ही स्थानों पर होता है, एक काशी नरेश के यहाँ, दूसरा सुंगनी साहू के यहाँ। मतलब बनारस में उस समय यह बात प्रचलित थी कि विद्वानों का आदर और सम्मान केवल दो ही जगह में होती है, काशी में। कहाँ पर? एक तो काशी नरेश के यहाँ और दूसरा सुंगनी साहू के परिवार में। इससे स्पष्ट पता चलता है कि संपन्नता के साथ ही गुण ग्राहकता प्रसाद की वंश परंपरा की एक अनिवार्य विशेषता थी। तो इससे पता चलता है कि उनका परिवार बहुत ही गुणी परिवार था, बहुत ही विद्वान परिवार था और संपन्नता के साथ ही उनमें बहुत ही गुण विद्यमान थे और गुणी और विद्वानों का आदर उनके परिवार में किया जाता था। अत्यंत अल्प आयु में कई बड़े भाई भाई बहनों की मृत्यु के कारण प्रसाद को अपने माँ बाप का अपार स्नेह मिला। बहुत कम उम्र में उनके बड़े भाई बहन गुजर गए, इसके कारण उनको अपने माता पिता का बहुत ज्यादा प्यार मिला। लेकिन 12 वर्ष की आयु में पिता और 15 वर्ष की आयु में माँ के निधन के कारण बालक प्रसाद की नियमित पढ़ाई छूट गई। जब वो 12 साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई और जब वो मुश्किल से 15 साल के थे तब उनकी माता की भी मृत्यु हो गई, इसलिए उनकी नियमित पढ़ाई छूट गई। एकमात्र अभिभावक बड़े भाई शंभू रत्न का देहांत भी माँ के निधन के 2 वर्ष बाद ही हो गया। पिता की मृत्यु के पश्चात पारिवारिक संपत्ति के विभाजन को लेकर चलने वाले गृह कलह और मुकदमेबाजी में पिता और पितामह द्वारा अर्जित लाखों रुपए मुकदमेबाजी में लग गए। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो कुछ पारिवारिक संपत्ति का विवाद चल रहा था जिसके कारण उनके बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, लाखों रुपए खर्च हो गए जो उनके पिता और दादा ने कमाए थे। बड़े भाई की मृत्यु के बाद विरासत के रूप में प्रसाद को दुकान के नाम पर बहुत बड़ा कर्ज मिला। अपने संयम व्यवहार कुशलता और अध्यवसाय मतलब परिश्रम का परिचय देते हुए धीरे धीरे इन्होंने अपनी स्थिति को संभाला। इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में प्रसाद ने अपने स्वाध्याय को चालू रखा। यद्यपि उनके जीवन में बहुत सारी विषम परिस्थिति आई लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ा, स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्ययन करते रहे। 10 से 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में अध्ययन अवश्य किया लेकिन बाद में घर पर ही इनकी शिक्षा पूरी हुई। उन्होंने एडमिशन तो लिया कॉलेज में, क्वींस कॉलेज में, लेकिन बाद में उनको अपने घर में ही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। काशी के प्रसिद्ध विद्वान दीन बंधु ब्रह्मचारी से इन्होंने संस्कृत के प्राचीन साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने घर पर ही हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा साहित्य की नवीन गतिविधियों से भी पूर्ण परिचय प्राप्त किया। फलस्वरूप प्रसाद जी में वर्तमान की आंखों से अतीत को देखने और अतीत की कसौटी पर वर्तमान को परखने के अद्भुत कौशल का विकास हुआ। मतलब वर्तमान समय में की जो परिस्थितियां थी उसकी दृष्टि से अपने भूतकाल को, अपने अतीत को देखना और अतीत की कसौटी पर वर्तमान को परखना, वर्तमान को कसना, तो यह दृष्टि कौशल उन्हें इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि उन्होंने संस्कृत साहित्य का, अंग्रेजी साहित्य का, हिंदी और उर्दू साहित्य का गहन अध्ययन किया था और ये बहुत ही स्वाध्याय करते रहते थे। माता पिता और बड़े भाई की अकाल मृत्यु के कारण भाभी के निर्देश पर अपने विवाह की व्यवस्था इन्हें स्वयं करनी पड़ी।
जब माता पिता और बड़े भाई गुजर गए तो इनकी भाभी बोले कि आप भैया आप भी शादी कर लीजिए। इन्होंने स्वयं अपनी शादी की व्यवस्था की। कुछ ही वर्षों में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन कुछ ही वर्षों के पश्चात इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मित्रों और रिश्तेदारों के आग्रह पर इन्हें दूसरा विवाह भी करना पड़ा। इन्होंने दूसरा विवाह भी किया। मतलब इनके जीवन में बहुत ज़्यादा त्रासदी थी और बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ इनके जीवन में था, किंतु प्रथम संतान के जन्म के समय ही माँ और शिशु दोनों स्वर्गवासी हो गए। इसे प्रसाद के भावुक और कोमल हृदय को गहरा आघात लगा। इन्होंने रिश्तेदारों के कहने पर दूसरी शादी भी की, लेकिन दूसरी शादी के समय जब पहली संतान जब जन्म लेने वाली थी तब बच्चे शिशु और माँ दोनों की मृत्यु हो गई। तो इनकी दूसरी पत्नी और उनके बच्चे की भी मृत्यु हो गई। आगे चलकर भाभी के उत्कट आग्रह पर उसके संतोष के लिए इन्होंने तीसरा विवाह भी किया, जिससे रत्न शंकर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बाद में उन्होंने भाभी ने पुनः आग्रह किया कि भैया आप शादी कर लो, तो इन्होंने तीसरी शादी की और इससे इनको रत्न शंकर नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। प्रसाद के व्यक्तित्व में उदारता, व्यवहार कुशलता और विद्वता का अद्भुत मिश्रण था। न केवल अपने व्यवहार में उदार थे, बल्कि व्यवहार कुशल भी थे, उदार भी थे और विद्वान भी थे। प्राचीन के प्रति गहरी आस्था के बावजूद ये नवीन के प्रति जिज्ञासा और प्रशंसा के भाव से ओतप्रोत थे। प्राचीन साहित्य और प्राचीन इतिहास के संबंध में इनका बहुत ज़्यादा गहरा लगाव था, लेकिन इसके बावजूद भी यह आधुनिक दृष्टिकोण से वंचित नहीं थे। आधुनिक दृष्टिकोण के प्रति जिज्ञासा और प्रशंसा का भाव इनके मन में हमेशा विद्यमान रहा। इन्होंने इनका जीवन अत्यंत नियमित था, बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ थी इनकी, बहुत ही अनुशासित जीवन था। इनका जीवन अत्यंत नियमित था। इन्होंने इधर उधर के बाहरी कामों में अपने को कभी नहीं उलझाया, मतलब दुनियादारी के कामों में, इधर उधर के कामों में वे अपने आप को नहीं उलझाते थे। निरंतर स्वाध्याय और चिंतन में लगे रहते थे। प्रातः जल्दी उठकर लेखन कार्य में लीन रहना, फिर थोड़े समय में भ्रमण स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर दुकान पर बैठना, दोपहर को भोजन और विश्राम के बाद पुनः व्यावसायिक कारोबार की देखभाल करना तथा संध्या के समय साहित्यिक मित्रों से विभिन्न विषयों पर चर्चा करना, यही इनकी दिनचर्या थी। तो यह उनका रूटीन वर्क था। अविराम लेखन, मतलब दिन रात बिना रुके लेखन कार्य करने के कारण और शारीरिक श्रम का प्रसाद के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जब उन्हें पर्याप्त आराम नहीं मिल पा रहा था, दिन भर लिखते रहते थे और अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करते थे, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा, उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 1937 ईस्वी में सामान्य ज्वर ने धीरे धीरे तपेदिक टीबी की गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लिया। 1937 में जब वो बीमार पड़े, उनको बुखार आया, तो बुखार धीरे धीरे टीबी में परिवर्तित हो गया, मतलब तपेदिक में परिवर्तित हो गया, टीबी हो गया उनको। अतः नवंबर 1937 में इनका देहावसान हो गया। नवंबर 1937 में इनका देहावसान हो गया। अपनी 48 वर्ष, इतनी छोटी आयु में वे गुजर गए थे। अपनी 48 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने हिंदी साहित्य के भंडार को अपनी कविताओं, कहानियों, नाटकों आदि से संपन्न कर दिया। बहुत ही कम उम्र, 48 वर्ष की उम्र में यद्यपि इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन फिर भी ये छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं और इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध कर दिया है अपनी कविताओं से, कहानियों से, नाटकों से, उपन्यासों से, अपने लेखों से। अब इनके साहित्यिक योगदान क्या है, हिंदी साहित्य को इन्होंने क्या योगदान दिया है। प्रसाद का जितना महत्व कवि के रूप में रहा है, एक सफल गद्यकार के रूप में भी इनका उतना ही महत्व है। यह बहुमुखी प्रतिभा के धनी धनी लेखक थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी लेखक थे। जितना महत्व इनका कवि के रूप में है, उतना ही गद्य लेखन में, नाटक लेखन में भी इनको उतनी ही प्रशंसा प्राप्त हुई है, उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। अतीत के ऐतिहासिक तथ्यों में वर्तमान की कल्पना का रंग देकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राजेश्री, ध्रुव स्वामिनी जैसी कालजयी नाट्य कृतियों की रचना की। जब ये लेखन कर रहे थे उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था और स्वतंत्रता के लड़ाई, स्वतंत्रता संघर्ष जारी था उस समय, इसीलिए इनके लेखन में इन्होंने अतीत के ऐतिहासिक तथ्य को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है और उसमें स्वतंत्रता की प्रबल ज्योति भी जलाई है इन कालजयी कृतियों के द्वारा, इन नाट्य कृतियों के द्वारा। इनके साथ ही विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये इनकी रचनाएं हैं। कल्याणी प्रणय, एक घूंट आदि इनके अन्य नाटक हैं, ये इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। अंत में मैं आपको एक लिस्ट भी दे रहा हूँ नीचे में, आप ध्यान से सुनते रहिए। आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनिया, छाया और आंधी शीर्षक से प्रकाशित प्रसाद के 5 कहानी संग्रह, कथा सम्राट प्रेमचंद की कहानी परंपरा के समानांतर
एक भिन्न परंपरा की दृढ़ आधारशिला तैयार करते हैं। मतलब जैसे उस समय मुंशी प्रेमचंद बहुत प्रसिद्ध थे, उनकी कहानी लिखने के एक अलग ही स्टाइल था, एक अलग ही शैली थी, उसी प्रकार प्रसाद जी की भी जो शैली अलग प्रकार की शैली थी, जिसमें संस्कृत निष्ठ परिनिश्चित खड़ी बोली का प्रयोग किया जा रहा था। और यह इनके 5 कहानी संग्रह हैं, आकाशदीप, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनिया, छाया और आंधी। मतलब इनका जो पोजीशन था यह मुंशी प्रेमचंद के समानांतर था, उनके बराबर था, उनसे कम नहीं था, लेकिन इनका इनकी शैली अलग थी, मुंशी प्रेमचंद की शैली अलग थी। वो यथार्थवादी उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, आदर्शवादी, यथार्थवाद कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं को। इन कहानियों के साथ ही प्रसाद ने, ऊपर हमने कहानी संग्रह देखा, अब देखते हैं उपन्यास। इन कहानियों के साथ ही प्रसाद ने कंकाल, तितली और इरावती, इरावती उनका अधूरा उपन्यास है, कई परीक्षा में पूछा जाता है, जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास इरावती है। तो इन कहानियों के साथ ही प्रसाद ने कंकाल, तितली और इरावती के रूप में एक अधूरा उपन्यास लिखकर उपन्यास के क्षेत्र में भी अपने कौशल का परिचय दिया। जिनके प्रसिद्ध उपन्यास है 3, जिसमें इरावती बहुत, इरावती अधूरा है। निबंध उन्होंने क्या क्या लिखा? अपने निबंधों में वे कविता, नाटक, छायावाद, रहस्यवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद के महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर और मौलिक चिंतन को उजागर करते हैं। मतलब उनके निबंध में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, आदर्शवाद और यथार्थवाद, छायावाद, रहस्यवाद इत्यादि। इन्होंने ज़्यादा निबंध ही लिखा है। हिंदी काव्य के क्षेत्र में प्रसाद की कामायनी, जो इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है कामायनी, हिंदी काव्य के क्षेत्र में प्रसाद की कामायनी आधुनिक काल का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। इसे आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। यही उनकी कीर्ति का प्रमुख स्तंभ भी है। कामायनी के कारण ही उनको सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। कामायनी में प्रसाद ने महाप्रलय के बाद सृष्टि के आरंभ में जीवन विकास का कलात्मक परिचय दिया है। कामायनी की विषय वस्तु यह है कि जब प्रलय के कारण सब कुछ समाप्त हो गया, इसके बाद जब सृष्टि का पुनः निर्माण हुआ तो किस प्रकार हुआ, जीवन का किस प्रकार विकास हुआ, इसका उल्लेख उन्होंने कामायनी में किया है। इस महाकाव्य में, मतलब कामायनी में, इन्होंने मनु, श्रद्धा और इड़ा, इसके 3 पात्र हैं, मनु, श्रद्धा और इड़ा, जैसे 3 प्रमुख पात्रों को क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि, मनु मन के प्रतीक हैं, श्रद्धा हृदय के प्रतीक है और इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। इनका प्रतीक बनाकर मानवीय मनोवृत्तियों के मनोवैज्ञानिक विकास का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण किया है। मतलब मनुष्य का मन या मनोवैज्ञानिक विकास कैसे होता है व्यक्ति का, इसका वर्णन इन्होंने कामायनी में इन पात्रों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से किया है। इनका ये इन्होंने अत्यंत स्वाभाविक चित्रण किया है। चिंता, आशा, काम, श्रद्धा, लज्जा, ईर्ष्या, आनंद आदि जैसे मनोभाव सूचक सर्गों, मतलब अध्यायों, इन्होंने इन सर्गों में विभाजित किया है। विभक्त कर कामायनी को प्रसाद ने आधुनिक मानव जीवन के विकास का महाकाव्य बना दिया है। इन्होंने कामायनी को आधुनिक जीवन का महाकाव्य बना दिया है और इसमें जो विभिन्न अध्याय हैं, जो विभिन्न सर्ग हैं, ये हमारे विभिन्न मनोवृत्तियों को परिलक्षित करते हैं, उनके प्रतीक हैं। प्रसाद की अन्य काव्य रचनाओं में आंसू शीर्षक मुक्तक काव्य का भी विशेष महत्व है। मुक्तक कविता मतलब जिसमें पंक्तियों में पूर्वापर संबंध नहीं रहता, सभी पंक्तियां स्वतंत्र होती हैं आपस में, उन्हें कहा जाता है मुक्तक। प्रसाद की अन्य काव्य रचनाओं में आंसू शीर्षक मुक्तक काव्य का भी विशेष महत्व है। आंसू का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें उदात्त प्रेम के संयोग और विशेष रूप से वियोग की भावनाओं का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। मतलब जो उदात्त प्रेम, सर्वश्रेष्ठ प्रेम होता है, उसके संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का इन्होंने उसमें अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। प्रसाद के जीवन को देखते हुए ऐसा लगता है कि आंसू में उनकी अतृप्त काम भावनाएं की भावना की स्मृतियां ही अनेक रूपों में, अनेक कोणों से उभरी है। तो उनके मन में जो अतृप्त काम भावना रह गई होगी, तो आलोचकों का यह मानना है कि आंसू में उनकी अतृप्त काम भावनाएं ही परिलक्षित होती हैं, अनेक कोणों से दिखाई देती हैं। इनकी भाषा और शिल्प, जब भी आप जीवन परिचय लिखते हैं तो ये भाषा और शिल्प लिखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है किसी भी कवि या लेखक का। कवि, भाषा और शिल्प, भाषा और शिल्प की दृष्टि से प्रसाद जी की कविता का उत्कर्ष देखते ही बनता है। तो इनकी जो कविताएं हैं, कविता हो चाहे कहानी हो चाहे उपन्यास हो, सभी में इनकी भाषा शैली अत्यंत उत्कृष्ट है, उनका शिल्प बहुत ही उत्कृष्ट है। संस्कृत निष्ठ परिनिश्चित हिंदी, परिनिश्चित मतलब बिल्कुल शुद्ध हिंदी, संस्कृत निष्ठ परिनिश्चित हिंदी के प्रयोग के साथ ही इन्होंने अपने काव्य में प्रतीक विधान, मतलब प्रतीकों का प्रयोग, और लाक्षणिक शैली, लाक्षणिक शैली मतलब जो शब्द शक्तियां होती हैं,
अभिधा लक्षणा व्यंजना है ना, लक्षणा लाक्षणिक शैली का प्रयोग कर अपने सूक्ष्म भावों को अमूर्त रूप प्रदान किया है। मतलब अमूर्त को इन्होंने, अमूर्त मतलब जो अदृश्य है, जो अगोचर है, जो हमको दिखाई नहीं देता, उसको इन्होंने प्रतीक विधान के द्वारा, लाक्षणिक शैली के द्वारा, बिंब और प्रतीकों के माध्यम से उन भावनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया है। भावों के साथ ही प्राकृतिक एवं मानवीय सौंदर्य के चित्रण में इन्होंने बिंबों का सहारा लेकर उसे अत्यधिक प्रभाव उत्पादक बनाया। अभिधा लक्षणा व्यंजना शब्द शैली की सहायता से इन्होंने जो बिंब निर्मित किए हैं, जो इमेज निर्मित किए हैं, तो प्राकृतिक और मानवीय सौंदर्य को इन्होंने बिंबों का सहारा लेकर बहुत ही प्रभावी बनाया है, बहुत ही प्रभाव उत्पादक बनाया है, प्रभावी बनाया है। मतलब प्राकृतिक और मानवीय सौंदर्य का भी जब इन्होंने चित्रण किया है, तब बिंब का प्रयोग करके उसे उन्होंने बहुत ही प्रभावी बनाया है, जो हमारे मन पर बहुत ही प्रभावपूर्ण असर डालता है, प्रभावी असर डालता है। आंसू से लेकर उनकी सभी मुक्तक, मुक्तक मतलब इनके जो पंक्तियां होती हैं मुक्तक में, वो पूर्वापर संबंध नहीं हो रहता, मतलब सभी पंक्तियां आपस में जुड़ी नहीं रहती, जैसे गजल में होता है। गजल के जो सारे शेर होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वैसे ही मुक्तक है। और प्रबंधात्मक काव्य, प्रबंधात्मक काव्य के अंतर्गत आते हैं महाकाव्य और खंड काव्य। तो आंसू से लेकर उनके सभी मुक्तक और रचनाएं गीति शैली में प्रस्तुत की गई है। गीति शैली मतलब जिसको गाया जा सकता है, गीति मतलब होता है गान या गीत, गीति शैली मतलब जिसको गाया जा सकता है। तो जब भी इनको पढ़ेंगे आप कविता के रूप में या गाना के रूप में गा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गीतात्मकता की यह प्रवृत्ति उनके प्रख्यात महाकाव्य कामायनी की प्रमुख विशेषता बन गई है। मतलब कामायनी को आप गा भी सकते हैं, कविता की तरह पढ़ भी सकते हैं, तो यह गीतात्मकता की प्रवृत्ति प्रमुख रूप से उनमें विद्यमान है, महाकाव्य कामायनी में, और यह कामायनी की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। गीति शैली में प्रबंध रचना का इसे सर्वोत्तम उदाहरण माना जा सकता है। मतलब कामायनी एक ऐसा महाकाव्य है, एक ऐसा प्रबंध काव्य है जो गीति शैली में, गीत की शैली में लिखा गया है, और यह उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भावानुकूल शब्द योजना, भाव के अनुकूल शब्दों का प्रयोग, लाक्षणिक शैली, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग, समुचित प्रतीक विधान, प्रतीकों का सही ढंग से प्रयोग, बिंबों के कुशल प्रयोग, प्रतीक जो बिंब होते हैं, जो इमेज होते हैं, उनका सही और कुशल प्रयोग आदि के माध्यम से प्रसाद जी ने अपने काव्य को सरस, आकर्षक और अत्यधिक प्रभाव उत्पादक बनाया है। प्रतीकों की सहायता से, शब्द शैली की सहायता से, लक्षणा शैली की सहायता से, बिंब की सहायता से इन्होंने अपने काव्य के बहुत ही सरस और बहुत ही आकर्षक और प्रभावी बनाया है। प्रसाद जी की कुल रचनाएं निम्नलिखित हैं, इनको आपको पूरा याद कर लेना है और इसको पूरा परीक्षा में लिखना है, और सभी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है प्रसाद जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं और वो किस शैली में है। प्रसाद जी की समस्त रचनाएं यहाँ पर हैं। काव्य कविता इन्होंने क्या क्या लिखी, इनके जो कविता संग्रह हैं, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, चित्रधार, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर तथा कमाई, ये इनके काव्य संग्रह हैं। इसके बाद नाटक कौन कौन सा इन्होंने लिखा, विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एकगुट, चंद्रगुप्त तथा ध्रुव स्वामी, ये इनके नाटक हैं। इन्होंने तीन उपन्यास लिखे, कंकाल, तितली तथा इरावती। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है और कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है। इनके कहानी संग्रह हैं 5, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल, 4 यहाँ पर दिखा रहा है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल। और इनके निबंध हैं काव्य और कला तथा अन्य निबंध। इनके कहानी में शायद 5वां कहानी कहीं पर छूट रहा है, मैं बता देता हूं आपको देखकर। इनके 5 कहानी संग्रह हैं, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनिया, छाया और आंधी। इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया, एक मिनट में बता देता हूं आपको। इनकी कहानियां हैं आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनिया, छाया और आंधी। तो यहां पे हमारा आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल और आंधी, आंधी यहां पर छूट गया था, आंधी भी इनका कहानी संग्रह है। आंधी
आंधी, ये जो कहानी संग्रह यहाँ पर छूट जा रहा था, इसको आप नोट कर लें। तो इनके पांच कहानी संग्रह हैं। और इनके निबंध काव्य और कला तथा अन्य निबंध। तो इस प्रकार हमने जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।